तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। हम डिस्कस करेंगे हमारी इस क्लासेस में एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम एक्सेल फॉर्मूले एक्सेल और एक्सेल के फॉर्मूले के यूज करते हैं। तो इससे पहले इस बैच में हमने आपके साथ डिस्कस किया था टेम्पलेट्स के बारे में कि किस तरह से टेम्पलेट्स का यूज होता है, किस तरह से टेम्पलेट्स बनाते हैं वगैरह। तो बाकी इसमें अब कोई चीज नहीं है तो हम बात करेंगे एक्सेल ऑप्शंस की। एक्सेल ऑप्शंस देखिए, एक्सेल अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप दूसरी किसी क्लास में एक्सेल ऑप्शन एक्सेल की सेटिंग क्यों पढ़ाते हैं। ऐसा पढ़ाने का एक रीजन है। रीजन ये है क्योंकि जब भी कोई नई चीज लेते हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे आपने अगर नया एक मोबाइल फोन लिया है तो उसकी रिंगटोन, उसका वॉलपेपर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं ताकि वो आपके अकॉर्डिंग चलता रहे। उसी तरीके से हम यहाँ ले रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ सेटिंग है जो अपने हिसाब से करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। ओके सर, तो इसमें हम सेटिंग में हर एक चीज नहीं सिखाएंगे, कुछ बेसिक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि स्क्रीन टेप्स, हमने आपको कल बताया था कि जब भी आप किसी इस पे ऑप्शंस पे कर्सर रखते हैं तो उसकी स्क्रीन टेप्स आपको दिख जाती है। तो स्क्रीन टिप्स में क्या होता है कि जब लोग इंटरव्यू लेते थे तो हम चाहते थे कि ये स्क्रीन टिप्स ना किसी को दिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि जो हम इंटरव्यू जिससे ले रहे हैं उसको तुक्का लगा सके, पूरा का पूरा हम उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहते थे। तो हम चाहते हैं इसको हटाना, या फिर दूसरा तरीका और भी होता था। जैसे मान लीजिए हम लोग स्क्रीन शॉट लेते थे तो स्क्रीन शॉट लेते समय भी हमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम नहीं चाहते कि स्क्रीन शॉट लेते समय प्रॉब्लम हो। इन शॉर्ट हम करना चाहते हैं क्योंकि इसकी जो मान लीजिए स्क्रीन शॉट ले रहे आप और कर्सर इस पे चला गया तो पीछे की चीजें छुप जाता है ना सर। अब स्क्रीन शॉट लेते क्यों हैं, तो स्क्रीन शॉट लेने के दो तीन रीजन हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फाइल मुझे एक रिसीव हुई है और उस फाइल के अंदर में कोई चीज गलती है तो उसको हम फोन में समझाएंगे अंदर में 500-700 जगह है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी सेकेंड पार्टी को कि आखिर क्या बोल रहा है कि डी कॉलर में 700 क्या है। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, हम उस एरिया को हाईलाइट करते थे और भेज देते थे स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के। वो समझ जाता था कि सी कॉलम में इन एरिया है। तो कभी कभी क्या हुआ कि मान लीजिए आपका कर्सर उस पे रह गया तो पीछे के एरिया आपका छुप जाता है कि आखिर क्या है। तो इस चीज के लिए हम फाइल मेनू बार में जाते हैं और ऑप्शन पे आते हैं और यहां पे डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर देते हैं। डोंट शो स्क्रीन टिप्स करने से क्या होता है कि अब इस कर्सर रखती स्क्रीन नहीं आएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप नई फाइल क्रिएट करते हैं तो एक
डिफॉल्ट आपके सामने फॉन्ट होता है, जनरली कैलोरी फॉन्ट होता है, लेकिन हम लोग फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, तो हर फाइल के हर शीट में मुझे फॉन्ट चेंज करने पड़ते हैं। आप जो फॉन्ट यूज करते हो उसको यहां से सेट कर दो ताकि आपका डिफॉल्ट फॉन्ट हो जाए। ऐसे भी फॉन्ट की साइज सेट कर लो, ऐसे आप एक बार में जब कंट्रोल एन करेंगे तो कितना शीट आएगा। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे एक या तीन होता है, आप इसको पांच कर ले, दस कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं तीन कर लिया, जब भी एन करेंगे तो मुझे अब तीन शीट दिखेगा, लेकिन इससे पहले मुझे पांच सीट मिलता था, तीन सीट ही मिल रहा है। तो एक्सेल ऑप्शन में हमने यहां सीखा। दूसरा, अब कोई फाइल आपको किसी ने भेजा, जैसे मान लीजिए लिंक का फाइल है, अब मुझे पता करना है कि आखिर इसने बनाया किसने, तो इस पे जैसे हम कर्सर रखते हैं तो कर्सर रखते ही इसके डिटेल्स आपको पता चल जाती है। इसमें ऑथर नेम नहीं आ रहा, वरना इसका ऑथर नेम भी दिख जाता है। इसमें दिक्कत है कि आप अपने सिस्टम पे देखेंगे तो आपको उसका ऑथर नेम भी पता चल जाएगा। बस इस पर कर्सर रखते हैं, उसका ऑथर यहाँ पर दिखेगा। तो उस पर कर्सर रखते ही आपको उसका ऑथर पता चल जाएगा। मेरे सिस्टम में नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा सेटिंग हटा हुआ है, लेकिन इस फाइल को किसने बनाया है इसका ऑथर आपको डिटेल्स में जाकर ऐसे पता चल सकता है कि इसको आईपीटी एक्सेल स्कूल ने बनाया है, नहीं सॉरी, इसको लास्ट ईयर आईपीटी एक्सेल स्कूल है, लेकिन इसको बनाया था कोई दी कोला कंपनी ने। तो अभी जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑथर नेम आता कहां से है, हालांकि कर्सर रखने पे चला आता है, 2007 में देखेंगे तो उस पर कर्सर रखने ही चला जाता है, क्योंकि मेरे 2010 में सॉरी विंडो 8 में आपको कर्सर रखते पता चल जाता है कि मेरे पास विंडो 10 है, जिसे पता नहीं चल रहा, ऐसे नहीं पता चल पा रहा। तो जैसे इस पर हम कर्सर रखेंगे हमें पता चल जाता है, लेकिन आखिर एक ऑथर नेम डिसाइड कहां से होता है, तो एक्सेल ऑप्शन में आपका ये ऑथर नेम होता है, यूजर नेम इट मींस ऑथर नेम। तो होता क्या है इसमें कि जब आपकी एक्सेल जब इंस्टॉल होती है, जब आप एक्सेल को इंस्टॉल करते हैं, उस समय जो आपकी विंडो की आईडी होती है वो आपका यहाँ पे ऑथर नेम हो जाता है। तो ऑफिस में क्या होता है कि विंडो आईडी जैसे कि किसी की ए होती है एक्सेल 1 2 3 एडमिन 1 2 3 इस तरह से होती है, तो यहां पे आप अपने हिसाब से ऑथर नेम रख सकते हैं। उसके बाद यहां पे हम फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला के अंदर में आपके साथ पांच जो है, एक तो आपका R1C1 रेफरेंस स्टाइल है, जैसे कि यहां पे ABCD दिख रहा है आपको, कभी आपको इसको 1 2 3 करना पड़े, इसको क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 हो गया, जहां पे आपका A1 है वहां पे R1C1 हो गया। अब मैं यहाँ पे कर सकूंगा तो ये क्या हो जाएगा R3, मतलब कि रो 3 और कॉलम 2। R1 रेफरेंस स्टाइल होता है और इसको कई सारी जगहों पे हम यूज भी करते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा इसको कहां भी यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लिखते हैं आप या कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, तो इस तरह के साइड में आता है अलर्ट, जिस पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपको एरर अलर्ट दिखता है, और जब कर्सर रखते पता चलता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द नंबर्स इन द सेल इज फॉर्मेटेड एज अ टेक्स्ट और प्रोसेस्ड बाय द स्टोफोन, एस्ट्रोफोनिक नंबर होता है इसको, क्योंकि ये नंबर स्टोर एज अ टेक्स्ट है। तो ये जो आपका एक अलर्ट देता है, इसको अगर आप इग्नोर करना चाहे, एक तो कन्वर्ट नंबर करेंगे तो फिर 0 हट जाएगा आपका, इग्नोर कर सकते थे इग्नोर हो जाएगा आपका, लेकिन फिर कहीं और आप टाइप करेंगे तो आपको वापस दिख जाएगा। या सिर्फ इसको इस नंबर लिखने पे नहीं होता है, सिंगल कोट लगाने पे नहीं होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, ये बताता है आपको। तो मुझे इस तरह का एरर चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करें, एक्सेल ऑप्शन के अंदर में जाए और फॉर्मूला में यहां अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग कर दीजिए, तो फिर एरर दिखेगा।
लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं वो सेटिंग हम चेंज कर रहे हैं किसकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। मतलब कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो सेटिंग चेंज हो रही है, मतलब कि एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज हो रही है, ना कि कोई पर्टिकुलर फाइल की सेटिंग चेंज हो रही है। तो अगर खड़े मतलब कि ये फाइल अगर मैंने किसी और को भेजा तो उसके सिस्टम में फिर एरर दिखेगा, क्योंकि तो आपने अपने एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज की है तो ना दिखे। लेकिन हर किसी में थोड़ी, जिसको आपने भेजोगे फाइल उसके पास तो सिस्टम चेंज नहीं होगा ना कि हाँ एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग अनक्लिक है। तो हाँ वहां पे अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो फिर वह कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो यहाँ पे एरर इग्नोर किया गया है इंफॉर्मेशन इस फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होके जा रही है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम चेंज करते हैं पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज होती है तो ये आपके सिस्टम पे इफेक्टेड है, किसी और के सिस्टम पे नहीं। उसके बाद डेटा आपका नॉर्मल है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रूफिंग में आते हैं, इसमें आप दो तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो आप ऑटो कनेक्ट ऑप्शन, जस्ट मैं अपने सिस्टम पे डीएल लिख के स्पेस मारूंगा तो डेली बन जाएगा, डीएस लिखूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगा। तो इस तरह के शॉर्टकट्स आप बना सकते हैं। एक्सेल ऑप्शंस में आप चले जाएं, एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद आप जाएंगे कहां पे, प्रूफिंग पे, ऑटो कनेक्ट ऑप्शन, और यहां पे आप टाइप कर सकते हैं इंटरनेट एंड सॉरी यहां पे ऑटो कनेक्ट में, ऑटो डिफॉल्ट होता है। और यहां पे जैसे कि मान लीजिए मैं बना रहा हूं एफ एल, मैं याद कर देता हूं, मैं किसी भी फाइल के अंदर में एफ एल लिख के टाइप करूंगा, स्पेस मारूंगा एफ एल लिख के तो फाइल लिस्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा केस सेंसिटिव होता है, ये आपका केस सेंसिटिव होता है। हेलो जी, मैं आपको 10 मिनट में बात करते हैं क्लास में। तो एक केस सेंसिटिव होता है ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रूफिंग में एक चीज और होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ईमेल आईडी आप लिखते हैं या किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो एंटर मारते हो क्या होता है कि उस पे हाइपरलिंक लग जाता है इस तरह से। देखिए किसी डेटाबेस में बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि मान लीजिए मुझे इसको चेंज करना है तो क्लिक करने के जगह, सिलेक्ट करने के जगह तो क्लिक हो जाएगा और आउटलुक और इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाता है। तो मुझे नॉर्मल चाहिए तो हर बार मुझे कॉपी पेस्ट या रिमूव हाइपरलिंक करना पड़ता है, क्लियर हाइपरलिंक करना होता है यहां से। तो आप एक्सेल में सेटिंग्स कर सकते हैं कि आप किसी भी एक्सेल फाइल में किसी भी तरह का पाथ लिखे, ईमेल आईडी लिखे तो उस कन्वर्ट ना हो हाइपरलिंक में। तो यहां आपको दिख रहा होगा ऑटो फॉर्मेट जो टाइप, इस पर क्लिक कीजिए और यहां इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक है उसको अनचेक करके ओके कर दीजिए। तो अब कहीं भी आप किसी भी तरह का ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा ipt.delhi123@gmail.com, अब एंटर मारते हैं इसके हाइपरलिंक। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन में, इसमें प्रूफिंग में। बाकी तो सिंपल चीजें हैं। अब सेव पे आते हैं। तो जब भी आप अपने फाइल को सेव करते हैं, जब भी आप अपने फाइल को सेव करते हैं तो दो चीजें होती है, जैसे आपने कंट्रोल एस किया तो ए फाइल जो है यहां पे, एक तो यहां पे आपकी सेव एज सेव लेवल वर्कबुक माइक्रो लेवल वर्कबुक दिख रहा है, बट आपका जो डिफॉल्ट होगा वो एक्सेल वर्कबुक आएगा, और दूसरा आपका माई डॉक्यूमेंट का पाथ है। अब एक्सेल वर्कबुक क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट इसकी सेटिंग होती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है जैसे कि आपने कोई माइक्रो वाली फाइल को सेव करोगे तो फिर वो डिसेबल हो जाएगा। क्यों डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा सेटिंग है कि वो सिर्फ माइक्रो डिसेबल फाइल को ही लेता है। तो जब भी आप माइक्रो फाइल को सेव करो तो माइक्रो अनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट करो,
जैसे कि मैं यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर माइक्रोफाइल से काम करते हैं और काम करते समय शेयर करते समय भूल जाते हैं कि इसमें माइक्रो अनेबल वर्क को सिलेक्ट करना है और उनका माइक्रो पूरा लॉस्ट हो जाता है। इसलिए डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि डिफॉल्ट हो, और दूसरा माई डॉक्यूमेंट के जगह पे मैं डी ड्राइव सी ड्राइव ई ड्राइव सेट करना चाहता हूं। तो एक्सेल ऑप्शन पे आए आप और एक्सेल ऑप्शन पे या प्रूफिंग में आप सेव पे आए और यहां से वो माइक्रो एनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट कर ले और यहां पे अपने सेव एज टाइप को सिलेक्ट कर। तो जो टाइप यहां पे पाथ देंगे वही पाथ डिफॉल्ट में आएगा और सेम आपका एक्सटेंशन भी आएगा। अब राहुल जी आप ये जानते हैं क्या बोलते हैं रिकवरी का, ऑटो रिकवरी का क्या होता है? हेलो राहुल जी, राहुल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक राहुल जी नहीं सुन पा रहे। अच्छा म्यूट कर रखा आपने राहुल जी। तो ऑटो रिकवरी क्या होता है कि आपके फाइल जब भी आप जो भी आपके ओपन फाइल है वो ओपन फाइल एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके ए सिस्टम में बैकअप लेके एक लोकेशन पे सेव कर देता है। तो किस पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये देखिए 10 मिनट पर किस लोकेशन में, इस लोकेशन। तो अगर आपका सी ड्राइव वगैरह अब फुल है और आप चाहते हैं कि नहीं डिफरेंट लोकेशन में जाए तो आप यहां से लोकेशन चेंज कर सकते हो और 10 मिनट की जगह पे आप उसको बढ़ाना और घटाना चाहते हैं तो बढ़ा और घटा आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब यार लैंग्वेज तो नॉर्मल में कुछ नहीं, इसमें एडवांस। अब एडवांस में कुछ चीजें हैं जैसे कि आप एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका डाउन हो जाता है, आपके डेसिमल प्लेसेज है जब भी आप अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो जब भी नंबर लिखेंगे तो वो आपका चेंज हो जाता है, इसमें 100 से डिवाइड हो जाता है, दो डिजिट में डेसिमल में चला जाता है। डाउन की जगह आप लाइन लेफ्ट कर सकते हैं, ऐसे और भी चीजें हैं। तो एक बार मैं बोलूंगा राहुल जी इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और फिर इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है राहुल जी, सॉरी रोशन जी, राहुल जी बोल रहा था उसमें से, रोशन जी तो कल मिलते हैं, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांस मेनू बार, इसमें एक्सेल सेटिंग में एडवांस मेनू बार के बारे में। कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा।